राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट बदली। सुबह 9 बजे से अचानक घने बादल आ गए जिसमें अंधेरा सा छा गया। दिल्ली में कई जगह ओले भी गिरे। रात से ही हो रही बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। सोमवार रात से ही हल्की हल्की बारिश होती रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिन तक दिल्ली में मौसम का मिजाज इसी तरह का बना रहेगा। दिल्ली के सुभाष नगर, नरेला, पंजाबी बाग, धौला कुआं समेत कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में मौसम बदलने का कारण उत्तर भारत के पहाड़ों पर बना एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है जिसका असर पिछले 2 दिन से दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस से एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान के ऊपर बना हुआ है जो उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ रहा है। इसके चलते दिल्ली के आसमान पर बादल छाए हुए हैं। कल रात से दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है। दिन में ही अंधेरा छा गया है। वाहन चालक अपने वाहन की हेडलाइट को ऑन कर करके जा रहे हैं। बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में जलभराव हो गया है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरसी, धनौल्टी, पिथौरागढ़, चंबा, चंपावत, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल में मंगलवार को भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण हरियाणा में भी कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है। कई जिलों में ओलावृष्टि की भी खबर है। बताया जा रहा है कि अचानक बदले मौसम के कारण फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। और आगे भी ऐसी न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉप 10 न्यूज चैनल को और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें।